हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। मैं आपको आज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाऊंगा। एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है विस्मयादिबोधक सेंटेंसेस, मीन्स वाक्य जिसमें हम खुशी, दुख, आश्चर्य ये सब व्यक्त करते हैं। मीन्स जॉय, हैप्पीनेस, सोरो, हैटर्ड, इस तरह का भाव हम व्यक्त करते हैं, वैसे सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हम बोलते कैसे हैं, जैसे वाओ कितना सुंदर फूल है, कितना तेज दौड़ता है वो, अरे बाप रे कितना बड़ा हाथी है। मिस इस तरह की बातें हम जो बोलते हैं ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, आश्चर्य हो सकता है, दुख से भी बोल सकते हैं हम, खुशी से भी बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें आती है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में। तो हम वैसे सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वह कितनी भोली है, मीन्स हम ये आश्चर्य से बोल रहे हैं, हम पूछ नहीं रहे हैं कि वह कितनी भोली है, हम ये आश्चर्य से बोल रहे हैं कि वह कितनी भोली है। तो इसमें हाउ सिंपल शी इज ऐसा बनाएंगे, हाउ सिंपल शी इज, वह कितनी भोली है। ओके, यहां पर हम इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे वह कितनी भोली लड़की है। हम किसी भी लड़की के बारे में ही बात कर रहे हैं तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि वह कितनी भोली लड़की है। तो हम यहां पर ऐसे बनाएंगे कि हाउ व्हाट, यहां पे व्हाट से बनाएंगे हम, व्हाट अ सिंपल गर्ल शी इज। इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें हमेशा वर्ब हमेशा लास्ट में आता है, वर्ब को हम पहले इसमें नहीं लिखते हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, जो भी हो, रेगुलर वर्ब हो, वो सारे के सारे वर्ब जो भी आते हैं इसमें वो हम लास्ट में डालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी आप गलती मत करना, काफ़ी लोग इसकी गलती कर देते हैं। अगर हम पहले लगा देंगे हाउ इज सी, हाउ इज सिंपल सी, या हाउ इज सी सिंपल, तो इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा, ये फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है वो कितना तेज है, तो हाउ इंटेलिजेंट ही इज, हाउ इंटेलिजेंट ही इज। फिर यहां पर है वो कितना तेज लड़का है, तो इसको हम व्हाट से भी बोलते हैं, व्हाट इंटेलिजेंट, व्हाट एन हो जाएगा इधर, इंटेलिजेंट बॉय ही इज, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय ही इज। ओके फ्रेंड्स, अब इस तरह से कैसी काली रात है, कैसी काली रात है, तो हाउ डार्क द नाइट इज। किसी पर्टिकुलर रात के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए द लगा रहे हैं यहां पर, तो हाउ डार्क द नाइट इज। या इसको हम व्हाट से भी अगर बोलेंगे, व्हाट से अगर बनाएंगे तो व्हाट से ऐसे बनाएंगे कि व्हाट अ डार्क नाइट इट इज, व्हाट अ डार्क नाइट इट इज। हम डार्क यानी एडजेक्टिव के ठीक बाद हम नाउन का इस्तेमाल कर देते हैं, तो वहां पर हम व्हाट लगाकर बनाएंगे। व्हाट लगाकर बनाने में और हाउ लगाकर बनाने में क्या फर्क है वो आपको समझना जरूरी है। इसमें है हाउ डार्क द नाइट इज, अगर व्हाट से बनाएंगे तो व्हाट अ डार्क नाइट, फिर इसमें द नहीं लगाएंगे, व्हाट अ डार्क डार्क नाइट इट इज, फिर यहां पर हम इट इज लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरी सेंटेंस है वह कितनी लंबी है, तो हाउ टॉल शी इज, हाउ टॉल शी इज। अगर हम इसको व्हाट से बनाते हैं तो व्हाट से बनाते वक्त यहां पर टॉल के बाद नाउन का लगाना जरूरी है, यही फर्क है इसमें कि व्हाट अ टॉल गर्ल सी इज, व्हाट अ टॉल सी इज ऐसा नहीं बोल सकते हम,
व्हाट अ टॉल गर्ल सी इज, जैसे हम बोलते हैं कि कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है, तो हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। अगर हम व्हाट लगाकर बनाते हैं तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ये फर्क हो जाता है हाउ लगाकर बनाने में और व्हाट लगाकर बनाने में। ठीक फ्रेंड्स, इस फर्क को आप समझना। हम इसको सिर्फ हाउ से नहीं बल्कि व्हाट लगाकर भी बोलते हैं, बट व्हाट लगाकर बोलने में थोड़ा फर्क होता है। जैसे मैंने अभी बताया, अगर हम बोलते हैं किसी के बारे में कि कितना लंबा आदमी है, तो हाउ टॉल ही इज, हाउ टॉल ही इज, या द मैन इज, हाउ टॉल द मैन इज। ठीक है फ्रेंड्स, और हम अगर व्हाट लगाकर बनाते हैं तो व्हाट अ टॉल मैन ही इज, व्हाट अ टॉल मैन ही इज। ठीक है फ्रेंड्स, ये फर्क है, ये आप फर्क समझ लेना। यहाँ पर है वह कितनी लंबी लड़की है, तो हाउ, यहाँ पर लड़की आ गया है तो इसको हम हाउ से अगर बनाएंगे तो लड़की का डालना नहीं है। अगर व्हाट से बनाते हैं तो व्हाट अ टॉल गर्ल, मतलब हम एडजेक्टिव के बाद नाउन को रख देंगे। जब भी हम व्हाट लगाकर बनाते हैं तो उसमें एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना जरूरी है। तो व्हाट अ टॉल गर्ल शी इज, व्हाट अ टॉल गर्ल सी इज। कितना बड़ा हाथी है, तो हाउ ह्यूज द एलिफेंट इज। अगर इसको हम व्हाट लगाकर बनाते हैं तो यहां पर ऐसा बनाएंगे, व्हाट अ ह्यूज एलिफेंट इट इज, व्हाट अ ह्यूज एलिफेंट इट इज। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर हाउ से बनाने में और व्हाट लगाकर बनाने में क्या फर्क है आपको मैंने अभी समझाया, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इसको टेंस के सेंटेंसेस में भी लेकर बनाते हैं। जैसे वो कितना तेज दौड़ता है, मीन्स हम आश्चर्य से बोल रहे हैं, पूछ नहीं रहे कि वो कितना तेज दौड़ता है, वो कितना तेज दौड़ता है, तो हाउ फास्ट ही रन्स, हाउ फास्ट ही रन्स। वो कितना अच्छा गाती है, तो हाउ स्वीट सी सिंग्स। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम आश्चर्य या सिर्फ खुशी की ही बात नहीं करते हैं, हम इसमें दुख की बात करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कितनी दुख की बात है, हाउ सैड इट इज, हाउ सैड इट इज। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम दुख की भी इसमें बात करते हैं, सरप्राइज की भी बात करते हैं, जॉय और हैप्पीनेस की भी बात करते हैं इसमें हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में, नफरत की भी बात करते हैं, बोलते हैं कितना बेकार आदमी है, मतलब कितना गिरा हुआ इंसान है, जैसे छीछी बोलते हैं ना इस तरह का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम किसी भी तरह के सेंटेंस को ला सकते हैं, जैसे नफरत या घृणा, खुशी, जॉय, हैप्पीनेस और सौरव, इस तरह के सेंटेंसेस को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यह था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।